भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मंच पर विराजमान पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और मीडिया के सब साथियों, सबसे पहले तो हमारे पूर्व के वक्ताओं ने जो बातें रखी है उस सब के नीचे मैं अपना सिग्नेचर कर देता हूं। और इसलिए रिपीट करने की जरूरत न पड़े, मैं आज इस इतने बड़े मीडिया का समूह है तो आपका भी और देशवासियों का गत 5 वर्ष में जो सहयोग मिला, समर्थन मिला, और ये जन सहयोग का ही कारण है कि हम इस कार्य को सफलतापूर्वक कर पाए। और इसके लिए मैं देशवासियों का, आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अमान्य रीते ये स्वाभाविक है कि चुनाव के पहले हर राजनीतिक दल अपनी अपनी बात लेकर के आती है, लेकिन राजनाथ जी के नेतृत्व में हमारे अध्यक्ष जी ने जो कमेटी बनाई थी उसने पिछले 2-3 महीने लगातार मेहनत की और एक प्रकार से जन के मन की बात, उनकी आशा अपेक्षा आकांक्षाओं को सुनना समझना, और एक डॉक्यूमेंट में भले सब कुछ ना आ जाए लेकिन उसकी मूलभूत बातों को पकड़ करके आगे चलने का ये जो मेहनत की इस टीम ने, मैं इस टीम को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। शायद हिंदुस्तान में पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में सरकार किन बातों को लेकर के आगे काम करे, जनता को इतनी बड़ी मात्रा में विचार विमर्श हुआ है, ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है। और ये लोकतंत्र का ट्रू स्पिरिट है और उसको हमने आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। आपने देखा होगा कि मैनिफेस्टो में 3 प्रमुख बातों का उल्लेख किया गया है। और उसी के आसपास हमारा पूरा ये डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है। राष्ट्रवाद ये हमारी प्रेरणा है, अंत्योदय ये हमारा दर्शन है, और सुशासन ये हमारा मंत्र है। इस पूरी रचना जो है उसमें एक आमतौर पर ये मैनिफेस्टो 2024 के लिए है, लेकिन देश की जनता हमारा हिसाब ढंग से मांग सके इसलिए पहली बार हमने साहस किया है कि इंटरिम भी हमारा हिसाब लिया जाए। और वो है 2022, आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हमने देश के महापुरुषों ने जिन सपनों को लेकर के आजादी का जंग किया था, आजादी के लिए बलिदान दिए थे, जब आजादी के 75 साल होंगे तब हम उनके सपनों का भारत समर्पित करने की दिशा में कुछ अहम काम कर लें, पूरा कर लें। इस उद्देश्य से 75 वर्ष 75 लक्ष्य ये हमने तय किए हैं, 75 निश्चित कदम हमने तय किए हैं। ये अपने आप में टाइम बाउंड, वेल डिफाइंड, शायद ही कोई घोषणा पत्र में या संकल्प पत्र में आप पहली बार देख पाते होंगे। उसी साथ साथ हम जब इस मैनिफेस्टो को लेकर के आए हैं
तो साफ है हमारे मन में वन मिशन वन डायरेक्शन। हम देश को समृद्ध बनाने के लिए, सामान्य मानवी के सशक्तिकरण को लेकर के, जन भागीदारी को बढ़ाते हुए, लोकतांत्रिक मूल्यों को महात्म्य देते हुए, और सरकार की सबसे बड़ी कसौटी ये नहीं होती है कि आपने क्या किया, सरकार की सबसे बड़ी कसौटी है लास्ट माइल डिलीवरी की। और इसलिए वन मिशन वन डायरेक्शन लेकर के हम आगे बढ़ना का हमारा निर्धारित मंत्र है। उसी प्रकार से हमारे समाज में विविधताएं हैं, भाषा की विविधता है, जीवन स्तर की भी विविधता है, शिक्षा में भी विविधता है, जीवन शैली में भी विशेषता है। और इसलिए एक ही डंडे से सबको हांका नहीं जा सकता, और इसलिए विकास को हमने मल्टी लेयर बनाने की दिशा में इसमें हमने समाहित करने की पूरी कोशिश की है। गांव हो, शहर हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, पुरुष हो, महिला हो, नौजवान हो, सीनियर सिटीजन हो, हर एक को एक प्रकार से मल्टी लेयर हमने इसकी सबको एड्रेस करने की कोशिश की है। दूसरा हमने प्रयास किया है मल्टी डायमेंशनल, जैसी जहां आवश्यकता उस प्रकार से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। एक ही खांचे में, एक ही सांचे में, एक ही ढांचे में चीजों को समाहित करके हम परिणाम नहीं ला सकते हैं। राजनीति चल सकती है, लेकिन देश नीति चलाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए हमने मल्टी डायमेंशनल लेवल पे काम करना होता है, उसको हमने इसमें लेने का पूरा प्रयास किया है। अब जैसे उदाहरण के लिए आने वाले दिनों में भारत के सामने जो कुछ कठिनाइयां नजर आ रही है, जैसे पानी, खास करके मैं आज जब तमिलनाडु की गहराई में जाता हूं तो ध्यान में आता है कि आने वाले दिन कितने संकट वाले जा सकते हैं। राजस्थान, गुजरात जैसे प्रदेश सदियों से पानी के अभाव में जिए हैं, उन्होंने अपने रास्ते खोजे हैं, लेकिन आज भी देश के कई प्रदेश हैं उनके लिए भारत सरकार ने गंभीरता से सोच करके समस्याओं का समाधान करना होगा और एक लंबी योजना से करना होगा। और इसलिए हमने सोचा है कि देश में पहली बार जल की बात करता हूं तो जल भी पी लेता हूं, हम एक अलग जल शक्ति मंत्रालय बनाएंगे। हमने इस बजट में मछुआरों के लिए, और कोस्टल एरिया में ही मछुआरे भाई बहन ऐसा नहीं है, हमारे देश की नदी तट की संस्कृति में मछुआरे एक बहुत बड़ी इकोनॉमिकल एक्टिविटी का माध्यम रहे हैं, और इसलिए हमने इस बजट में मछुआरों के लिए एक अलग मंत्रालय की बात बजट में कही थी। हम आने वाले दिनों में जल शक्ति एक अलग मंत्रालय बनाएंगे, नदियों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पानी का कैसे हो, कोई हैंडपंप लगाए और चुनाव जीत जाते थे, वो एक जमाना था, लेकिन अब माताओं बहनों को पानी की दिक्कत से मुक्त करके नल से जल कैसे पहुंचाए, इस पर हम काम करना चाहते हैं। हम पानी के संबंध में एक स्पेशल टास्क फोर्स, एक मिशन मोड में रचना करके उसका हम एक बहुत बड़ा बल देकर के काम करना चाहते हैं। और खास करके मैं तो तमिलनाडु के लोगों से मिला था, ये विचार हमारे मन में कई छोटे छोटे इलाकों से दूर सुदूर लोगों ने हमें जो मन की बात भेजी इसमें आया है, और उसको लेकर के हमने
इसका महत्व समझा है और उसको हम आगे ले जाना चाहते हैं। हम लोगों ने 2014 से 2019 हमारे सारे कामों को देखेंगे, ये बात सही है कि कोई भी सरकार होती है बहुत लोगों को बुरा लगता है क्योंकि उससे कुछ लोगों के जो मूल एजेंडा है उसको तकलीफ होती है, लेकिन ये सही है कि गई बती हुई सरकार और हमारी सरकार का मूल्यांकन तथ्यों के आधार पर होना चाहिए। और 2014 से 19 अगर एक शब्द में कहना है तो हमारे सभी कार्यों की रचना के मूल में सामान्य मानव की जो आवश्यकता है उसको एड्रेस करें, हमारे सारे कामों को उसको हमने बल दिया। लेकिन देश जिस उमंग और उत्साह के साथ, सपनों के साथ चल पड़ा है, जो काम 50, 55, 60 के कालखंड में होना चाहिए था वो मुझे 2014 से 19 के बीच में करना पड़ा है, लेकिन उसके अनुभव के आधार पर, उस सफलता के आधार पर इस बार हमने पहले आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर के शासन चलाया, अब सामान्य मानवीय की आकांक्षाओं को लेकर के हम क्या कर सकते हैं उसको घोषणा पत्र में लेके आए हैं। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।